हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक माइक बनाएंगे, बहुत ही अच्छा माइक बनाएंगे। हमने ये 8 फीट वायर लिया है और ये पुराना हमारे पास जो ख़राब फोन एयरफोन था वो है हमारे पास। देखिए, अभी आपको हम बहुत ही शानदार एयरफोन बना के दिखाएंगे माइक, ताकि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सके उससे। चलिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करना है, हमको खोल लेना है। ये सैमसंग का है, ख़राब है दोस्तों, ये सैमसंग का एयरफोन है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो लगा हुआ है उसको खोल लेना है अच्छी तरह से। और इसमें आपको बता दूं दोस्तों, इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसमें तो एक स्पीकर का होता है, और ये पहला स्पीकर का होता है, ये दूसरा स्पीकर का होता है, और ये एक ग्राउंड है बीच वाला, और ये साइड वाला जो है माइक का है। तो इसमें से हमको ये दोनों को छोड़ देना है दोस्तों। यहाँ आप मीटर से चेक कर ले, मीटर से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वायर हमारा है। ये ध्यान रखें दोस्तों, ये जो ये 4 कट होते हैं, इसमें सबसे पहला वाला कट माइक कवर होता है, बीच वाला ग्राउंड का होता है, दूसरा वाला। देखिए दोस्तों, देखिए बीप का साउंड दे रहा है, इसका मतलब है ये माइक का ये वाला वायर होगा एक बीच वाला, और दूसरा यहाँ से पता ले ले, दूसरा ये वाला होगा। ठीक है दोस्तों, हमने ये पता कर लिया है। अभी आपको ज्वाइन करके दिखाते हैं। और सैमसंग का है, बहुत ही अच्छा माइक बनेगा ये। सबसे पहले दोस्तों इसको निकाल ले। हमको सिर्फ माइक के लिए ही ज़रूरत है, इसलिए हम दो ही वायर लगाएंगे सिर्फ माइक का, क्योंकि हमको दोस्तों इससे वीडियो रिकॉर्ड करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों तरफ है जो ये स्पीकर का होता है, दो हेडफोन लीड के होते हैं दोनों तरफ, और ये बीच वाला ग्राउंड का होता है। ये रेड जो दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड का है, और ये प्लस का है, माइक का है। तो ये हमने वायर सोल्डिंग कर दिया है दोस्तों। आपको इसको क्या करें दोस्तों, इसको यहाँ से कटिंग कर ले। यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं। इसमें से दोस्तों एक तो आप ब्लैक ले ले, और एक ग्राउंड ले ले, और ये दो को हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कटिंग करके इस पर कर सकते हैं। हटा दें।
इस तरह से आप लाइटर से इसको इसको लाइटर की मदद से अच्छे से इसका कवर जला दीजिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ऊपर से पेंट रहता है इसलिए आपका अंदर से नहीं जाएगा। इसको अच्छी तरह से दोस्तों फ्रीज दे इसको। क्या करें दोस्तों, ये तो हमारा रेडी हो चुका है। इसको ये 8 फीट वायर है दोस्तों, आपको अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से थोड़ा दूर भी रह सकते हैं इससे। आप इसमें दोस्तों एक बार वायर चेक कर ले, इसमें 3 फेज है। इस प्रकार से दोस्तों चेक कर ले इसको। ये वाला नहीं है दोस्तों, इसमें से ये वाला है। देखिए दोस्तों, हमने रिमाइंडिंग कर दिया है। अब इस तरह से टेप लगा दे अच्छी तरह से। दोस्तों ये हमारा माइक बनके रेडी हो चुका है।
बहुत अच्छा ही वर्क करता है। दोस्तों जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो हमने भी ऐसे ही बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों को भी बता दूँ। ये दोस्तों हमने कैप से निकाला हुआ है कपड़ा है, और आप इस तरह से यहाँ पे ले जाके आपको इसको कवर करके अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करेगा, आप ऐसे सुन सकते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों हमारा माइक बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही बेल भी बजा दीजिए। देखिए दोस्तों 8 फीट वायर है ये, और बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये सैमसंग का है, सैमसंग का एयरफोन से निकाला था दोस्तों ये। इसकी वायर भी बहुत लंबा है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आप इस प्रकार से अपने घर में बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।